निकल जाता है, इसका वजन नहीं पता है कितना है, पता है बाहर बड़ा पेशाब जो है बच्चे का निकल जाता है। छोटे बच्चे होते हैं बस औकात उनकी ये एक तो बॉडी ट्रेनिंग बचपन से अगर वो उसमें कमजोरी है वो बच्चे जो है इस किस्म के आदि हो जाते हैं। वालेकुम सलाम जी, नाम उमर वजन शहर जी ना आज आशिम नाम है मेरा, मेरा बेटी का बच्चा है ना, बेटे 9-10 साल उम्र है। 10 साल उम्र है, वजन कितना है? वजन उसका नहीं मालूम, आई एम वेरी सॉरी। 6 9 कर ज्यादा। अच्छा बताइए सवाल क्या है, क्या क्या तकलीफ है? सवाल ये है कि वो चलता फिरता सब कुछ खाता पीता ठीक ठाक है लेकिन उसकी टॉयलेट निकल जाती है। अच्छा छोटा पेशाब निकल जाता है? बड़ा पेशाब। तो बड़ा पेशाब जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता? नहीं वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा इसको अक्सर डायरिया रहता है बच्चे को? नहीं जी डायरिया नहीं है। ठीक है मैं बताता हूँ, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ। उनकी दादी थी या नानी थी, उन्होंने कॉल की थी, बच्चे की उम्र 10 साल है, बड़ा पेशाब निकल जाता है, इसका वजन नहीं पता है कितना है, पता है बाहर बड़ा पेशाब जो है बच्चे का निकल जाता है। छोटे बच्चे होते हैं बस औकात उनकी ये एक तो बॉडी ट्रेनिंग बचपन से अगर वो उसमें कमजोरी है तो वो बच्चे जो है इस किस्म के आदि हो जाते हैं, या नेपी बच्चे देर से छोड़ते हैं तो वो भी इस किस्म के आदि हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा इस किस्म के उसका पेशाब अनकंट्रोल हो जाता है तो उसके उसके लिए आप कोशिश करें कि उसकी ग़िज़ा को मुतअद्दिल रखें, यानी कि अगर दूध का इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेयरी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो डेयरी अशिया का इस्तेमाल कम कर लें, और बाकी इसके अलावा खाने पीने में बच्चे को रोटी वगैरह या जो तो सब्जी वगैरह बनाते हैं उसको वो इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ साथ उसे जो यानी कि ये जो अगर उसको किसी चीज़ से नट से एलर्जी नहीं है तो वो भी खिलाना शुरू करें साथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा दिन में उसे क्या करें कि आप ये जो चने होते हैं ना भुने हुए चने उसे खिलाना शुरू करें, वो सुबह के वक्त में थोड़े से दे दें, शाम के वक्त भी उसे थोड़े से दे दें, तकरीबन आप ये ले लें कि तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच उस बच्चे को चने दे दें, बच्चा जो चने जो मज़े ले लें क्योंकि उसको खाए वो उसको चने दे दें। इसके साथ साथ अगर वो बच्चा चने नहीं खा सके तो उसे थोड़ी सी गुड़ की डली दे दें, गुड़ की डली दे दें, इससे इंशाल्लाह इसे इस्तेमाल करवाएं, इससे काफ़ी फर्क होगा, फिर मुझे बताइएगा इंशाल्लाह।